बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर में एंट्री ली है बिग बॉस 16 की क्वीन यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी। जी हाँ, घर में काफ़ी स्पेशल चीज़ के लिए आ रही है प्रियंका चाहर चौधरी। जैसी कि खबरें आ रही थी कि प्रियंका घर में आकर मिड नाइट एलिमिनेशन करने वाली हैं, लेकिन असलियत क्या है आइए हम आपको बताएंगे हमारे चैनल टेली न्यूज़ पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में सबसे पहले बिग बॉस 17 के विनर यानी कि मुनावर फारूकी एंट्री लेते हैं, जिसके बाद बिग बॉस 16 की रनर अप यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी एंट्री लेंगी। एंट्री लेते ही प्रियंका एकता कपूर और तुषार कपूर के साथ आई हैं अपने शो को प्रमोट करने के लिए। वहीं खबरें आ रही थी कि प्रियंका घर में आकर मिड वीक एलिमिनेशन करने वाली हैं, वो उस सदस्य का नाम बताएंगी जो कि घर से बेघर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियंका घर में आई, उन्होंने घर वालों के साथ गेम खेले हैं और टास्क किए हैं, लेकिन एलिमिनेशन प्रियंका ने अनाउंस नहीं किया है। जी हाँ, हम आपको बता दें प्रियंका चाहर चौधरी और तुषार कपूर का एक साथ शो आने वाला है, वो भी जियो सिनेमा पे। एकता कपूर इसकी प्रोड्यूसर हैं और इसी शो को प्रमोट करने के लिए आ रही हैं प्रियंका, तुषार कपूर और एकता कपूर। जिसके बाद ये भी खबरें थी कि प्रियंका मिडवीक एलिमिनेशन डिसाइड करेंगी, लेकिन नहीं, प्रियंका घर में आई, उन्होंने टास्क खेले हैं घर वालों के साथ और शो को प्रमोट किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन अभी भी होगा और घर में कभी भी एलिमिनेशन हो सकता है, देर रात को भी आपको मिल सकता है कोई घर से बाहर। वैसे जब मुनावर की एंट्री हुई थी तब भी यही लग रहा था कि कहीं मुनावर घर में एलिमिनेशन के लिए तो नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन होगा घर से बेघर, और वो भी एक होगा या फिर दो होगा, ये तो फिलहाल कुछ देर में पता चल ही जाएगा। आप कितने एक्साइटेड हैं प्रियंका चाहर चौधरी को बिग बॉस के घर में देखने के लिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।